चलिए तो फिर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 45 डिग्री। 45 डिग्री का जो एंगल होता है उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू हमें याद है, एक बार मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। जैसे कि हमने याद कर रखा है कि जो साइन 45 होता है उसकी वैल्यू होती है 1/√2। इसी तरह से कॉस 45 की वैल्यू भी हमने याद कर रखी है 1/√2। इसी तरह से टेन 45 की वैल्यू हमने याद कर रखी है कितनी होती है, 1 होती है। और ऐसी जो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उनके भी जो 45 वाले एंगल होते हैं उनकी वैल्यू भी हमने अच्छी तरह से याद कर रखी है। और याद ना भी कर रखी हो तो जैसे कोसेक की निकालनी है तो हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। क्योंकि कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है इसलिए कोसेक 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2/1, यानी कि √2। ठीक है, ऐसी sec 45 की वैल्यू निकालनी है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो भी क्या आ जाएगी, √2। और cot 45 की वैल्यू निकालनी है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो कितनी आ जाएगी, 1। 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 होता है। तो ये वैल्यूज जो हमने याद कर रखी हैं आज के लेक्चर में हमें ये सीखना है कि ये वैल्यू आती कैसे है, कहाँ से निकल कर आती हैं। ठीक है, तो इनको जो हमने याद किया हुआ है आज हमें पता चलेगा कि ये वैल्यू निकलती कैसे है। तो 45 डिग्री का जो एंगल है उसकी वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा और वो ट्राइंगल भी होगा राइट एंगल्ड आइसोसेलिस ट्राइंगल। कैसा, राइट एंगल्ड और आइसोसेलिस ट्राइंगल। उसमें दो क्वालिटी होंगी, एक तो वो राइट एंगल्ड होगा और दूसरा वो क्या होगा, आइसोसेलिस। तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा हूँ, ध्यान से सब लोग देखिएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया है। ये ट्राइंगल राइट एंगल्ड होने के साथ साथ कैसा है, आइसोसेलिस भी है। राइट एंगल्ड तो है ही, साथ ही साथ ये कैसा है, आइसोसेलिस भी है। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइडें एक दूसरे के क्या होती हैं, इक्वल। और ध्यान देने वाली बात ये है कि हाइपोटेनियस को कभी भी आप इस साइड के इक्वल नहीं कर सकते। हाइपोटेनियस जो होता है वो सबसे बड़ी साइड होता है तो वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। अगर साइड इक्वल होंगी तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा ट्राइंगल है जो राइट एंगल्ड आइसोसेलिस ट्राइंगल है। इसका मतलब इसमें 90 का एंगल होगा और दो साइडें एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें मान लेते हैं कि जो इक्वल साइड हैं इनकी लंबाई कितनी है, ए है। ठीक है, लिख देते हैं लेट ए बी इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए। और ये जो तीसरी साइड बची है इसको हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड करेंगे। यहाँ पे नीचे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाने जा रहा हूँ। ऐसे मैंने पाइथागोरस लगा दी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ए सी तो हमें निकालना है, वो तो ऐसी रहेगा, ये तो हमें निकालना है। ए बी की जगह पे हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे। और बी सी की जगह पे भी क्या रख देंगे, हम ए रख देंगे। दोनों साइड इक्वल थी ना इसलिए हमने दोनों को ए मान लिया था। एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अब ए सी स्क्वायर जो है वो कितना आ गया, 2a² ठीक है। इसके बाद स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा। तो 2 पे तो अंडर रूट लग जाएगा लेकिन a के स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसलिए यहाँ पे खाली a आएगा। दोबारा समझ लो, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा 2 के ऊपर, लगेगा तो a स्क्वायर के ऊपर भी लेकिन स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ए सी की वैल्यू निकल कर आ गई √2a। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं। अब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइडें आ चुकी हैं। अब हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम किसको निकालने वाले हैं, साइन 45 को। एक चीज और बता देता हूँ, क्योंकि ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है, अगर ये एंगल 90 है तो ये दोनों एंगल ना एक दूसरे के इक्वल होंगे और दोनों आएंगे 45 डिग्री के। ठीक है, आप इन एंगल्स को निकालने के लिए इस राइट ट्राइंगल के अंदर ASP लगा सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। मान लो कि ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल तो होंगे ही ना, क्योंकि साइड अगर इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूँ, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें ASP लगाते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, नाइन्थ क्लास में इस प्रॉपर्टी का बहुत इस्तेमाल किया था। अब एंगल ए को तो ए ही रहने देंगे, बी की जगह क्या रख देंगे, 90 डिग्री, और सी की जगह, सी और ए दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं
तो सी की जगह भी ए रख देंगे इक्वल टू 180। ए और ए कितना हो जाएगा 2a, 90 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 90 बचेगा और 2 से 45 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। ठीक है, तो हमने बता दिया कि ये एंगल 45 डिग्री कैसे आया है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालता हूँ। सबसे पहला साइन 45 डिग्री, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो जैसे ये वाला 45 अगर लेंगे तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या बनेगा, बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है, एसी। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि 90 के सामने ही हाइपोटेनियस होता है और एंगल के ठीक सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। बीसी की वैल्यू देखो कितनी है ए, और एसी की वैल्यू कितनी है रूट टू ए। ए से ए कैंसिल हो गया तो कितनी वैल्यू निकल कर आ गई साइन 45 की 1/√2। ठीक है, एक बार फिर से यहां तक का सवाल पूरा समझते हैं। तो ये जो 8.2 एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 3 है, इसमें हम सबसे पहले 45 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं उनकी जो वैल्यू हमने याद कर रखी है वो वैल्यू निकलती कैसे उसको हम सीखने वाले हैं। तो जब भी 45 डिग्री के एंगल्स की वैल्यू आप निकालेंगे तो सबसे पहले आपको कैसा ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, राइट एंगल्ड आइसोसेलिस, तो वो हमने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, अब क्योंकि एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है इसलिए इसकी दोनों साइडें क्या होंगी, इक्वल, तो उन दोनों को हमने क्या मान लिया, ए। अब साइड अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल सी के। फिर हमने एएसपी लगा दी, एएसपी लगा के हमें पता चला कि एंगल ए और सी दोनों कितने डिग्री के होंगे, 45 डिग्री के, क्योंकि अगर ए 45 होगा तो सी तो अपने आप ही 45 हो जाएगा, इक्वल टू सी लिख देता हूँ यहाँ पे। अब एक और काम हमने किया था, क्योंकि हमें दोनों साइड पता थी तो पाइथागोरस लगा के हमने तीसरी साइड यानी कि हाइपोटेनियस को भी फाइंड कर लिया था। जब हमारे पास तीनों साइड आ गई तो हमने सबसे पहले साइन 45 की वैल्यू निकाली। साइन का फार्मूला लगा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर बीसी था, हाइपोटेनियस एसी था। बीसी की वैल्यू ए रख दी, एसी की वैल्यू रूट टू ए रख दी, ए से ए कैंसिल और साइन 45 की वही वैल्यू आ गई जो हमने याद कर रखी है। देखिए, ये देखिए साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। एक और बात है कि अगर आपने इस वाले 45 को लेने के बजाय वो वाला 45 लिया तो ये परपेंडिकुलर बनेगा और वो हाइपोटेनियस बनेगा। इसे ऊपर लिखेंगे उसे नीचे लिखेंगे, तो जब इसे ऊपर और उसे नीचे लिखेंगे तब भी हमें सेम वैल्यू मिलेगी साइन 45 की। ठीक है, तो साइन 45 की वैल्यू तो हमने निकाल दी है ये सबसे नीचे। अब बारी आती है कॉस 45 की वैल्यू की, तो उसको मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। इसी पेज पर सारा करना जरूरी है ताकि, क्योंकि यहीं पर ट्राइंगल बना हुआ है ना, इसलिए कॉस 45 की वैल्यू, कॉस 45 के लिए ये बेस है ए और हाइपोटेनियस कितना है √2a, ए से ए कैंसिल हो जाएगा 1/√2 कॉस 45 की वैल्यू आ गई। टेन 45 की निकालनी है अगर, तो टेन 45 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फार्मूला लगाएंगे ना टेन का, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर भी ए है, या चलो पहले मैं बीसी अपॉन ए बी लिख देता हूँ, बीसी अपॉन ए बी। ठीक है, बीसी की वैल्यू ए और ए बी की वैल्यू भी ए, और कितना निकल के आ गया, 1 निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने साइन 45 की वैल्यू निकाली 1/√2, कॉस 45 की वैल्यू निकाली 1/√2, टेन 45 की वैल्यू निकाली 1, और बाकी के जो तीन बचे उनकी निकालने की जरूरत नहीं है, वो सब इनके क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो इन सब के रेसिप्रोकल करके वो वैल्यूज भी आ सकती हैं। या फिर अगर आप मान लो सेक 45 की निकालना चाहते हैं तो सेक का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस हो गया √2a और बेस कितना हो गया a, a से a कट गया, तो सेक 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √2। मेन चीज क्या है कि अगर हमें ट्राइंगल की तीनों साइडें पता लग जाएं तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को निकाल सकते हैं। तो फिलहाल हमने ये समझ लिया है कि 45 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं, 45 डिग्री के एंगल्स, उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम 30 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं और 60 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू निकालना भी सीखेंगे। अगले पेज पर चलते हैं। चलिए खैर, अब अगले पेज पर लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, और अभी पिछले पेज पर हम किसके सीख कर आए हैं, 45 डिग्री के जो एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है।
अब 30 डिग्री और 60 डिग्री के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उनकी वैल्यू कैसे निकलेंगे वो इस पेज पर सीखा जाएगा। पिछले पेज पर जो ट्राइंगल हमने बनाया था वो था राइट एंगल्ड आइसोसेलिस ट्राइंगल। इन दोनों एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए जो ट्राइंगल बनेगा उसे कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल बनाएंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं बना रहा हूँ, जरा देख लीजिए। तो यहाँ पे मैंने ट्राइंगल बना दिया है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ध्यान रखिएगा, जब भी 30 और 60 डिग्री के एंगल की वैल्यू निकालेंगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, और जब भी 45 की वैल्यू निकालेंगे तो बनाएंगे राइट एंगल्ड आइसोसेलिस ट्राइंगल। और रही बात, दो और बचे ना अभी, 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये एग्जाम में नहीं आते इनके प्रूफ किसी भी तरह से, और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड प्रूफ होते हैं इनके, इसलिए ये आपको नहीं सिखाए जाएंगे। सिर्फ सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं एग्जाम में 30 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री के ही होते हैं, तो वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था 30 और 60 डिग्री के जो एंगल्स आपको बनाने हैं, जिनकी वैल्यूज निकालनी है, उसके लिए जो ट्राइंगल बनेगा वो कैसा होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, और इसकी तीनों साइडों को हमने क्या मान रखा है? 2a। अब वैसे तो हम a भी मान सकते थे, लेकिन हमने 2a क्यों माना है? देखिए, ऐसा होगा कि जब हमें आगे जाके इस साइड का हाफ करना पड़ेगा, तो जब हम 2a का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। अगर हमें a का हाफ करना होता तो a बाय 2 आता। अगर मान लो इस साइड को हम a ले लेते और उसका हाफ करते तो कितना आता? a बाय 2। इससे कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस साइड को 2a मान लेते हैं, ताकि हम इसका हाफ जब करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। तो इक्विलेटरल की सभी साइडों को आप क्या मान लेंगे? 2a मान लेंगे। और ये कंपलसरी नहीं कि आप इसे को 2a मानेंगे, अगर आपको ये समझ में नहीं आता 2a वाला तो आप a ले सकते हैं इसकी हर एक साइड को, आपका आंसर फिर भी आ जाएगा। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने के बाद हमें जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं साइन कॉस टेन, उनके लिए जरूरत पड़ती है राइट एंगल्ड ट्राइंगल की, मतलब 90 डिग्री का एंगल उसमें होना चाहिए। इसमें हमें कहीं भी 90 का एंगल दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं ना, उनका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। तो हमें यहाँ पे कहीं भी 90 डिग्री का एंगल दिखाई नहीं दे रहा है, तो 90 का एंगल यहाँ पे देखने के लिए हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, इसके बारे में मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पे देखो, ड्रॉ ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। और ऊपर मैंने ये भी लिख दिया, क्योंकि हमारा ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो उसके तीनों एंगल इक्वल होंगे, और कितने डिग्री के होंगे? 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब हम ये वाले राइट ट्राइंगल पे फोकस करेंगे, ए डी बी के ऊपर। सॉल्यूशन में हम फोकस करेंगे, लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए डी बी। ठीक है, राइट ट्राइंगल ए डी बी के अंदर ये एंगल 60 डिग्री का है, और वो देखो, वो पूरा एंगल अगर 60 डिग्री का है तो उसका जो हाफ है वो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये एंगल इस पूरे का हाफ है, इसका पता कैसे चलेगा? उसके लिए हमें इस ट्राइंगल को इसके क्या करना पड़ेगा? कॉनगेरेंट। और जब ये ट्राइंगल कॉनगेरेंट हो जाएंगे तो उससे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कॉनगेरेंट करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे लिखेंगे कि वो 60 है तो ये जो एंगल है ये उसका हाफ होगा और 30 डिग्री का होगा, और इधर भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। अब अगर हम इस वाले ट्राइंगल में साइन 60 की वैल्यू निकालते हैं, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री, तो साइन का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर जो है वो ए डी है, सिर्फ इस वाले ट्राइंगल में देखना, ये जो 90 वाला है, परपेंडिकुलर ए डी है और हाइपोटेनियस 90 के सामने ए बी है। ठीक है, क्या हमें ए डी की वैल्यू पता है? नहीं पता। लेकिन क्या हमें ए बी की वैल्यू पता है? पता है। कितनी है? 2a। तो ए डी की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ए डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इस वाले राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे, इन राइट ट्राइंगल ए डी बी। इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी जाएगी, हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्या ए बी की वैल्यू पता है हमें? 2a का स्क्वायर। ए डी की वैल्यू नहीं पता, क्योंकि पता होती तो यहाँ ना लिख देते। और बी डी की वैल्यू कितनी है? बी डी की वैल्यू देखो, ये 2a है ना, तो ये कितना हो जाएगा? a हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? a हो जाएगा। तो बी डी की जगह क्या रख देंगे? a, और स्क्वायर हो रहा है स्क्वायर कर देंगे। 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर,
ए डी स्क्वायर ऐसे ही ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर इसमें से माइनस हो जाएगा फोर ए स्क्वायर में से, तो कितने बचेंगे थ्री ए स्क्वायर, और वहाँ पे बचा रह जाएगा ए डी स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, थ्री के ऊपर तो लग जाएगा लेकिन ए के ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि ए का जो स्क्वायर है उससे अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ए बचेगा। ऐसा हम पीछे भी देख चुके हैं। तो ए डी की वैल्यू निकल कर आई रूट थ्री ए, तो ए डी की जगह हम क्या रख देंगे रूट थ्री ए, फिर ए से ए कैंसिल हो गया, और साइन 60 की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर रूट थ्री बाय टू। और आप जानते भी हैं, आपको याद भी है कि साइन 60 की वैल्यू रूट थ्री अपॉन टू ही होती है। इसको मैं जरा सही से लिख देता हूँ। तो साइन 60 की वैल्यू तो निकल गई, अब मान लो हमें निकालनी है कॉस 60 की वैल्यू, ठीक है। तो इसी ट्राइंगल में वापस आओ, कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बी डी अपॉन ए बी, बी डी की वैल्यू कितनी है ए, और ए बी की वैल्यू कितनी है टू ए, ए से ए कैंसिल हो गया तो कितनी वैल्यू आ गई वन बाय टू। और आप जानते भी हैं कि cos 60 की वैल्यू 1 बाय टू ही होती है। इसके बाद आता है tan 60। इसी ट्राइंगल में फिर से tan 60 का फार्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है AD और बेस क्या है BD। AD की वैल्यू ये निकाल रखी, AD की वैल्यू इधर देखो साइड में कोने में अंडर रूट थ्री ए, और BD की वैल्यू कितनी है A, ए से ए कट गया कितनी आ गई रूट थ्री। जिस तरह से इन तीनों की वैल्यू निकाली गई है, इस तरह से बाकी तीनों की भी निकाल सकते हैं। मान लो कि कॉस 60 की निकालनी है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा ए अपॉन ए डी, और यहाँ पे करके दिखा देता हूँ ए अपॉन ए डी, ए डी की वैल्यू है रूट थ्री अपॉन रूट थ्री ए, ए से ए कट गया तो कितनी आ जाएगी वन बाय रूट थ्री कॉट 60 की वैल्यू, ठीक है। तो जैसे इन तीनों की निकाली है वैसे उन तीनों की भी निकल सकती है। तो अभी हमें 30 और 60 दोनों की वैल्यू निकालनी थी, तो फिलहाल तो हमने 60 वालों की निकाल ली है, अब उधर की तरफ जाएंगे यहाँ पे और 30 वालों की वैल्यू भी आसानी से निकाल लेंगे। इसके लिए हम चलते हैं अगले पेज पर। तो मैंने अगले पेज पर उस ट्राइंगल को फिर से बना दिया है। हमारे पास पता था हमें कि ये वाली वैल्यू टू ए है, ये भी टू ए है, और ये पूरा भी टू ए था जिसे हमने ए और ए में डिवाइड कर दिया था, और AD की वैल्यू हमने पिछले पेज पर निकाली थी, AD की वैल्यू निकाली थी रूट थ्री ए, तो उसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब मान लो हमें वैल्यू निकालनी है साइन 30 की, तो साइन 30 के लिए साइन का फार्मूला लगाया जाएगा। साइन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। अब वैल्यू पुट करो, बी डी की वैल्यू कितनी है ए, और ए बी की वैल्यू कितनी है टू ए, ए से कैंसिल तो कितना आ गया वन बाय टू, साइन 30 की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह से मान लो कॉस 30 की निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, कॉस 30 का फार्मूला बेस, सॉरी कॉस का फार्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस ए डी अपॉन ए बी, ए डी की वैल्यू रूट थ्री ए और ए बी की वैल्यू 2a, कैंसिल हो गया कितना आ गया रूट थ्री अपॉन टू। अब बचा tan 30, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है bd और बेस कितना है ad, bd की जगह a आ जाएगा और ad की जगह आ जाएगा रूट थ्री ए, ए से ए कट गया कितना आ गया वन बाय रूट थ्री, और बाकी के जो तीन बचे उनकी वैल्यू तुम निकालोगे, ठीक है। एक cosec की निकाल के दिखा देता हूँ, cosec 30, तो कोसेक का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 30 के लिए हाइपोटेनियस क्या है ए बी, और परपेंडिकुलर 30 के लिए क्या है बी डी, ठीक है। ए बी की जगह 2a और बी डी की जगह ए, ए से कट गया तो कितना आ गया 2a, और वैसे भी कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 2 आएगा। तो इस तरह से हमने वो जो टेबल बनाई थी और टेबल के अंदर अलग अलग एंगल्स की वैल्यूज को याद किया था, तो वो वैल्यू आती कैसे हैं ये हमने यहाँ पे सीख लिया है। एक बार 30-60 वाले को फिर से देखते हैं। तो जब भी तुम्हें 30 और 60 वालों की वैल्यू निकालनी होगी तो तुम जो ट्राइंगल बनाओगे वो कैसा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्योंकि कहीं भी 90 का एंगल नहीं होता, तो तुम ड्रॉ करोगे एक परपेंडिकुलर,
90 का एंगल बना दो। इक्विलेटरल की हर एक साइड को तुम क्या मानोगे, 2a मानोगे। 2a इसलिए मानेंगे ताकि हाफ करने में कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद तुम पाइथागोरस लगा के AD की लंबाई निकालोगे। इधर निकाल ली AD की लंबाई, कितनी आई निकल कर, √3a। जब AD की लंबाई आ जाएगी तुम्हारे पास, तो तुम्हें इस ट्राइंगल की तीनों साइडें पता लग जाएंगी। फिर एक एक करके अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें लगाते रहना और वैल्यू निकालते रहना। तो वो जो टेबल हमने बनाई थी, इतनी बड़ी टेबल जो कंप्लीट की थी, उसमें जो जो वैल्यूज हमने याद की थी वो आती कहाँ से हैं, ये हमें पता लग चुका है। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। चलिए खैर, तो इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ऑफ जीरो डिग्री। तो वैसे तो मुझे ये सिखाने नहीं थे आपको जीरो और 90 डिग्री और बचा इसके अलावा, ये दोनों एंगल क्योंकि अनइम्पॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में इनके बारे में कभी कोई सवाल आता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सिखा देता हूँ कि बाई चांस अगर आ जाए तो फिर आप उसको कर तो पाएंगे। इनका जो प्रूफ है वो पीछे के जो एंगल्स थे 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, उन तीनों से पूरी तरह से अलग होगा। जीरो डिग्री को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा जरा, तो ये मैंने यहाँ पे राइट ट्राइंगल बना दिया है। इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये भी कुछ ना कुछ डिग्री का एंगल जरूर होगा। और ये वाला जो एंगल है इसको हमें जीरो डिग्री बनाना पड़ेगा। अभी तो ये जीरो डिग्री है नहीं, लेकिन इसको जीरो डिग्री बनाना पड़ेगा। इस एंगल को जीरो डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो साइड है ना इसको धीरे 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 नीचे डाउन की तरफ लाना पड़ेगा। मतलब AC को धीरे धीरे खत्म करते हुए AB के ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये पूरी साइड AB के ऊपर आ जाएगी तो ये एंगल भी स्लोली कम होता चला जाएगा और कम होते होते ये क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री हो जाएगा। तो मैं ये फिगर की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए खैर, अब जरा समझने की कोशिश करिएगा कि ये एंगल जीरो डिग्री बनेगा कैसे। ये जो एंगल है अभी जीरो डिग्री का नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ मेजरमेंट इसकी जरूर होगी जब आप डी रख के देखेंगे। तो पहले ये एंगल इस तरह से था, फिर हमने इस साइड को थोड़ा सा डाउन कर दिया तो ये एंगल और छोटा हो गया। फिर हमने और डाउन किया साइड को, एंगल और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया। और जब ये वाली साइड बिल्कुल AB के ऊपर ही आ जाएगी तब हमारा एंगल क्या हो जाएगा, जीरो डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये वाली साइड खत्म हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो सी है ना ये गलत लिखा हुआ है, इन दो जगह पर मैंने सी गलत लिखे हैं, क्योंकि सी तो अब यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे होने वाले जो बदलाव है उनको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। एंगल जब घटते घटते जीरो डिग्री हो जाएगा तो साइडों में क्या बदलाव आएगा, देखो यहाँ पे एंगल थोड़ा सा बड़ा है, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, और यहाँ जाके बिल्कुल ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो AB साइड थी AC साइड उसके ऊपर ही आ चुकी है। तो एंगल सी जो है ना, जो पॉइंट सी है वो यहाँ पर आ चुका है। देखो पहले ऊंचाई पे था, फिर साइड AC थोड़ी सी नीचे लाए तो पॉइंट यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर और नीचे आ गया, और पॉइंट सी बिल्कुल ही नीचे आ जाएगा, यानी कि B पे जाके लग जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि AB और AC दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्योंकि देखो AC धीरे धीरे इसके ऊपर आएगी ना, जैसे ही AC AB के ऊपर आएगी तो AB और AC दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। और एक और बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, देखो अभी BC की लेंथ है कुछ ना कुछ, अब BC की लेंथ कम हो गई, फिर और कम हो गई, अब और कम हो गई, और यहाँ पे BC की लेंथ क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। BC की लंबाई यहाँ पर आकर क्या हो जाएगी, जीरो। तो कहने का मतलब यह है कि जब एंगल A जीरो डिग्री में कन्वर्ट होगा तो AB की लेंथ जो है और जो AC की लेंथ है दोनों हो जाएंगी इक्वल। इसके अलावा जो BC की लंबाई पहले कुछ ना कुछ थी वो घटते 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 कितनी रह जाएगी, जीरो रह जाएगी। इन बातों पर हमें ध्यान देना है, जब ये एंगल घटकर जीरो डिग्री होगा तो AB और AC की लंबाई बराबर हो जाएगी, और साथ ही साथ BC की लेंथ घटते घटते कितनी रह जाएगी, जीरो डिग्री रह जाएगी। ठीक है, अब इस केस में अगर हम एंगल्स निकालना शुरू करते हैं, जैसे कि मान लो हम साइन जीरो डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, तो साइन का फार्मूला होता क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। साइन का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस होता है। लेकिन जब ये एंगल जीरो डिग्री हो गया था घटकर, तो AB और AC दोनों एक दूसरे के क्या हो गए थे, इक्वल, और BC की वैल्यू क्या हो गई थी, जीरो। तो BC की जगह तो हम क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, AC को AC ही रहने देंगे। और हम ये जानते हैं कि अगर जीरो को हम किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है, जीरो डिग्री। तो साइन जीरो की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई, यहाँ पर डिग्री नहीं लगाएंगे। इसी तरह से मान लो कि हमें कॉस जीरो डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस,
यहीं पे देख लेते हैं। तो बेस क्या है, ए बी, और हाइपोटेनियस होता है 90 के सामने यानी कि ए सी, ठीक है। लेकिन जब ये एंगल घटकर 0 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में बी सी की वैल्यू 0 हो जाएगी और ए बी और ए सी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो ए बी है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। क्योंकि जब ये एंगल घटकर 0 डिग्री हो जाएगा तो ए बी और ए सी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए ए बी की जगह क्या लिखा है, ए सी लिखा है। ए सी से ए सी कटकर कितना आ जाएगा, 1। और हम ये बात जानते हैं कि cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब निकालते हैं किसकी वैल्यू, tan 0 की, tan 0 डिग्री यहीं पे लगाते हैं। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बी सी अपॉन ए बी। अब जब ये एंगल घटकर 0 हो जाएगा तो बी सी की वैल्यू भी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के। ए बी को ऐसे ही रहने दो। 0 को जब किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। tan 0 की वैल्यू भी आ गई। अब मान लो हमें कॉट 0 की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जब यहाँ पे उस फॉर्मूले को लगाएंगे तो बेस आएगा पहले ए बी और फिर परपेंडिकुलर आएगा बी सी। ए बी को तो ए बी रहने दो, लेकिन बी सी की जगह क्या रख दोगे, 0। क्योंकि जब ये एंगल घटकर 0 हो जाएगा तो बी सी भी घटकर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये बात मैंने आपको समझाई थी अभी। 0 से जब किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है अनडिफाइंड, और हम जानते हैं कि कॉट 0 की वैल्यू अनडिफाइंड होती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है ना, कि जब ये एंगल घटकर 0 हो जाएगा तो ए सी और ए बी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और बी सी जो है वो पहले इतना बड़ा था, फिर और घट गया, फिर और घट गया, और घटते घटते बी सी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे खाली जगह पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इन ट्राइंगल ए बी सी एज एंगल ए गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर, जैसे जैसे एंगल ए छोटा होता चला जाएगा वैसे वैसे क्या क्या चेंजेस आएंगे। द लेंथ ऑफ बी सी डिक्रीजेज, बी सी की लंबाई धीरे धीरे क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। एंड द पॉइंट सी गेट क्लोजर टू पॉइंट बी, पॉइंट सी धीरे धीरे पॉइंट बी के पास आता चला जाएगा, आप देख भी रहेंगे पास आता हुआ। फाइनली वेन एंगल ए बिकम वेरी क्लोज टू जीरो, जब एंगल ए पूरी तरह से जीरो बन जाएगा, ए सी बिकम ऑलमोस्ट सेम एज ए बी, ए सी जो है वो ए बी के क्या हो जाएगा, इक्वल। एंड बी सी बिकम जीरो, और बी सी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। उम्मीद है कि अब आप अच्छी तरह से इसको समझ चुके होंगे, 0 डिग्री के जो अगर वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी, ठीक है। अब 90 डिग्री और बचा है, देखो 0 हो गया, 30, 45, 60 हो गया, अब 90 और बचा, उसे भी देख लो बस, और क्या होगा। चलिए खैर, तो अगले पेज पर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फॉर एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब हम 90 डिग्री के एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करेंगे। तो देखो, पिछले वाले सवाल में एंगल ए को घटाते घटाते हमने 0 के इक्वल ला दिया था, क्योंकि 0 वाले हमें एंगल्स निकालने थे। अब एंगल ए को बढ़ाते बढ़ाते कितना डिग्री बना देंगे, 90 डिग्री। अभी तो ये तुम्हें 90 दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम इसको बढ़ाना शुरू करेंगे, ये जो लाइन है ना इसको ऐसे उठाना शुरू करेंगे, तो ये एंगल 90 डिग्री बन जाएगा। लेकिन अगर इसको ऐसे उठाएंगे तो ट्राइंगल खत्म हो जाएगा। हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस पॉइंट ए को पॉइंट बी के पास लेकर जाएंगे। जैसे जैसे ये पॉइंट ए इसके पास होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो एंगल ए आप देख रहे हैं ये बड़ा होता चला जाएगा, और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और जैसे ही ए पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा तो एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का बन जाएगा। हम धीरे धीरे इस पॉइंट ए को बी के क्लोज लेकर जा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि एंगल ए जो है 90 डिग्री का बन जाएगा जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे डायग्राम की मदद से दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए जरा समझने की कोशिश करिएगा, अब होगा क्या। पिछले जो सवाल थे, पहले जब 0 डिग्री का कर रहे थे तो एंगल ए को छोटा करते जा रहे थे, तो ये साइड धीरे धीरे पास आ रही थी। लेकिन इस वाले में हमें क्या करना है, एंगल ए को 90 डिग्री बनाना है। तो एंगल ए को 90 डिग्री बनाने के लिए धीरे धीरे बी के पास लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि बी ऑलरेडी 90 डिग्री का है। तो देखो, पहले यहाँ पर एंगल ए ये था, फिर हम उसको थोड़ा पास ले गए, तो देखो पहले से तो बड़ा हो गया ना, पहले छोटा था, बड़ा हो गया। जैसे जैसे तुम पास आओगे वैसे वैसे एंगल बड़ा होता चला जाएगा, और पास आए और एंगल बड़ा हो गया, और जब एंगल ए यहीं पे आ जाएगा सीधे, तो एंगल ए जो है पूरे 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यानी कि ये जगह ऐसी है जब एंगल ए 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब एंगल ए 90 डिग्री के बराबर होगा तो हमें कुछ बदलाव यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखो क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं,
एक तो ए बी की लेंथ घटते घटते कितनी होती जा रही है, जीरो हो गई। देखो पहले यहाँ पे ए बी की लेंथ थी, फिर कुछ कम हुई, फिर और कम हो गई, और यहाँ पे जाके बिल्कुल ही जीरो हो गई। तो एक तो ए बी की लंबाई जीरो हो जाएगी, जब एंगल ए 90 डिग्री बनेगा तो ए बी की लंबाई जीरो हो जाएगी। और दूसरा और क्या चेंज होगा, दूसरा चेंज ये आएगा, देखो ए सी अभी बड़ा था और बी सी छोटा था, अब ए सी पास आया, फिर ए सी और पास आया, अब ए सी और बी सी दोनों एक ही जगह पर आ गए हैं। इस केस में ए सी की लंबाई बी सी की लंबाई के क्या हो जाएगी, इक्वल। बिल्कुल वैसा ही 0 डिग्री में भी हुआ था, जरा देखो जब हम 0 डिग्री वाला कर रहे थे तो इसमें क्या हुआ था, बी सी की लंबाई जीरो हो गई थी, ये था ना बी सी, घटते घटते क्या हो गया था, जीरो हो गया था, और ए सी और ए बी हो गए थे एक दूसरे के इक्वल। और 90 वाले में क्या होगा, 90 वाले में ए बी की लंबाई घटते घटते क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। और ए सी और बी सी धीरे धीरे एक दूसरे के क्या होते चले जाएंगे, इक्वल होते चले जाएंगे। ये ऐसी जगह है जहाँ पर ए सी और ए बी सी एक दूसरे को कोइंसाइड कर गए हैं, कोइंसाइड मतलब दोनों एक ही जगह पर मौजूद हैं, यही ए सी है और यही क्या है, बी सी है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि ए सी और ए बी एक दूसरे के क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो हमारा एंगल यहाँ के एंगल ए जो है यहाँ पर आकर 90 डिग्री बन गया। अब अगर मान लो हमें sin 90 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। sin 90 की वैल्यू, ठीक है, sin का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थोड़ा यहाँ वाले में देख लेते हैं, परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेनियस होता है 90 के सामने, 90 के सामने अभी क्या है, ए सी। इसे मत देखना डॉटेड वाले को, ये अभी ये कुछ नहीं है, ये तो खाली समझाने के लिए है कि पहले ट्राइंगल हमारा ऐसा था। अच्छा अब यहाँ पे देखो ए सी और बी सी एक दूसरे के क्या हो गए हैं, इक्वल, यानी कि बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी, नीचे भी ए सी है, ए सी से ए सी कैंसिल, तो कितना आ गया, 1। और वैसे भी sin 90 की वैल्यू 1 ही होती है। इसके बाद आता है cos 90। cos का फार्मूला देखो क्या होता है, cos का फार्मूला होता है बेस ए बी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। जब हमारा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, ए बी जीरो बन जाएगा, तो यहाँ तो जीरो रख दिया, नीचे ए सी को ऐसे ही रहने दो। जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, जीरो। कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, ये आप जानते होंगे। अब आती है बारी किसकी, tan 90 की, ठीक है। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी सी अपॉन ए बी। अब जब एंगल ए 90 बनेगा तो बी सी और ए सी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल, लेकिन ए बी जो है वो क्या बन जाएगा, जीरो। तो ए बी की जगह हम क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे, ठीक है। और जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है अनडिफाइंड या फिर इन्फिनिटी, और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी जो तीन है वो भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरीके से 90 डिग्री के एंगल की वैल्यू निकाली जाती है, जैसे 0 डिग्री की निकालते हैं वैसे ही 90 की निकालते हैं। 0 डिग्री में इस एंगल को रिड्यूस करते चले जाते हैं, ए सी धीरे धीरे पास आता जाता है, लेकिन 90 वाले में इसका एंगल को बड़ा करते जाते हैं, और इसको बड़ा करने के लिए एंगल ए को धीरे धीरे बी के पास लाना होता है। और ऐसा करते समय दो बदलाव देखने को मिलते हैं, एक तो ए बी रिड्यूस होकर जीरो बन जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये पास होगा तो ए बी छोटा होता चला जाएगा, और ए सी और बी सी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे एंगल ए पास आएगा तो ये ए सी धीरे धीरे मुड़ते मुड़ते यहाँ पहुंच जाएगा, एक ही जगह पर दोनों आ जाएंगे। तो इन बदलाव का ध्यान रखिएगा, और ये जो मैंने किया है इसको यहाँ पे मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो चीज़ें हमने यहाँ पे की है ना इस जगह पर, उनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए गेट्स लार्जर, जैसे जैसे एंगल ए बड़ा होगा, क्योंकि ए बी के पास जाएगा तो एंगल ए बड़ा होगा, और सी उसमें क्या होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। देखो पहले सी बड़ा था, फिर और छोटा हुआ, फिर और छोटा हुआ, और यहाँ जाके खत्म ही हो गया, जीरो हो गया। एंगल सी गेट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड द लेंथ ऑफ साइड ए बी गोज ऑन डिक्रीजिंग। साइड ए बी की जो लंबाई है वो लगातार घटती चली जाएगी, पहले बड़ी थी, फिर और छोटी हुई, फिर और छोटी हुई, फिर जीरो हो गई। फाइनली व्हेन एंगल ए इज वेरी क्लोज टू 90, जब एंगल ए 90 के बहुत ही पास पहुंच जाएगा, एंगल सी बिकम वेरी क्लोज टू जीरो, एंगल सी खत्म होकर जीरो बन जाएगा, एंड ए सी को इनसाइड विद बी सी। को इनसाइड का मतलब है दोनों लाइनें जब एक ही प्लेस पर आ जाती हैं, ए सी जो है वो बी सी को क्या कर जाएगी, को इनसाइड कर जाएगी, मतलब दोनों एक ही जगह पर आ जाएंगी। देखो पहले ए सी ऐसे थी, फिर
फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, अब बिल्कुल सीधी हो गई। तो मतलब जो यहाँ पे किया है, जो यहाँ समझाया है, वो मैंने यहाँ पे थियोरेटिकली लिख दिया है। तो जब भी कभी 90 डिग्री का आएगा करने के लिए, वैसे तो आज तक आया नहीं कभी, फिर भी तुमने एक अच्छी जानकारी ले ली है, तो कभी अगर आ जाता है तो आप ये सारा एक्सप्लेन करेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, जो चीज़ें आपने यहाँ दिखाई हैं उन्हीं को एक्सप्लेन करना है, और ये तो निकालना आप इजीली जानती हैं। तो इस तरह से आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था समझने वालों के लिए, जो चीज़ों को अच्छे से समझना चाहते हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद है कि सारी चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। उम्मीद है कि सब समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ कमी रह गई है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि अगली वीडियो में उसका सुधार किया जा सके। और कोई प्रॉब्लम भी आती है तो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं मेरे नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, ठीक है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय समय पर आपको मैथ और साइंस की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।